बच्ची हाथ नहीं छोड़ रही है, उसको जीभ दिखा रही है। हाँ भैया को बताया मैं, क्या इसका हैंडल ना टेढ़ा है, तो भैया ने क्या किया, हैंडल तो बोले सीधा है कि सस्पेंशन टेढ़ा, ऐसे किया और इसमें लात मारी पहिया में, कह रहे अब ठीक हो गया। मैंने कहा भैया ये क्या चीज है, साइकिल है क्या कि आप लात मार के सीधा कर दे रहे हैं। मेरे पीछे पुलिस है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, ढाका जी ब्लॉग। कैसे आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चिल कर रहे होंगे। गाइज आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने, क्योंकि आपको पता है बाइक की सर्विस को ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 1500 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल चुकी है, जो मेरा टारगेट पॉइंट है सर्विस का। मैं 3000 किलोमीटर पर सर्विस कराता हूँ, लेकिन ये बाइक अभी ना 4500 किलोमीटर चल चुकी है और एग्जॉस्ट भी लगा, तो कोई इंजन में प्रॉब्लम ना है इसलिए सर्विस करा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप ओवर सर्विस पे चले जाते हैं, मतलब कि आपकी बाइक अगर ज्यादा चल जाती है जितने पे आप सर्विस कराते हैं और एग्जॉस्ट वगैरह लगा, तो उससे सच में फर्क पड़ता है कि नहीं, और या फिर कितने किलोमीटर पे आपको सर्विस करा लेनी चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। क्योंकि इस समय दो सीन है, ओवर तो मेरी बाइक गई है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, तो उससे भी फर्क पड़ता है, आप सबको पता ही है। और वैसे भी एग्जॉस्ट लगने के बाद में ना सर्विस थोड़ा जल्दी करा लेनी चाहिए, अगर आप 3000 किलोमीटर पे करा रहे हैं तो आपको 2500 पे करा लेनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे R15 वाले ऐसे जो 5000 किलोमीटर पे चलाते हैं कराते हैं, क्योंकि मेरी बाइक चलती है रेस वगैरह, अगर आप रेस बाइक चलाते हैं ज्यादा भगाते हैं तो आपको सर्विस जल्दी करा लेनी चाहिए, तभी आपकी जो है बाइक मेंटेन रहेगी, नहीं तो बाइक का आपकी का इंजन चला जाएगा। ठीक है गाइस, एंड आपको इसमें पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, इसका ABS अपने आप चालू हो जाता है, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल अपने आप ऑफ हो जाता है, इसका स्पीडोमीटर अपने आप बंद हो जाता है, ये सारी चीजें भी दिखाएंगे हम सर्विस सेंटर में जाके कि भैया इनको भी कराओ। और ये V3 बड़ी प्यारी लग रही है। एंड गाइस एक और आज मैं अपग्रेड कराने वाला हूँ सर्विस में, मतलब जो नॉर्मल मोबिल होता है जो आप लोगों की बाइक में डलता है, मैं वो नहीं डलवाऊंगा, मैं उससे थोड़ा ऊपर वाला डलवाऊंगा, तो उसके बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो कितना इंजन के लिए अच्छा है वो भी बताऊंगा, उसका प्राइस क्या है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा मोबिल डलाना चाहिए। ठीक है गाइस, अरे भाई कुत्ता काहे को बंद कर रखा है इन्होंने पिंजरे में, लड़का बड़े प्यार से ऐसे कर दिया, क्या बात है, सब तो स्मार्ट हैं। शेट ब्रो, जाम जाम, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस, इस कहावत को कभी खत्म नहीं करने के बनारस वाले लोग। मैंने बाइक यहाँ पे छोड़ दिया सर्विसिंग के लिए, इसका पीछे वाला डिस्पैट देखो एकदम खत्म हो गया, और आगे वाला भी चेंज होना था वो तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी मीटर में वो मैंने इनको बता दिया। मैंने कहा मीटर के इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है और ABS वगैरह भी ऑफ हो जा रहा है, मीटर जीरो हो जा रहा है, अब देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। कितना चल गई है ये? चल गई है अभी 19000। हाँ तो भाई लोग टंकी खुल चुकी है अभी, ऊपर एयर फिल्टर हो चुका है चेंज, अभी ये पहला काम हो रहा है इस पर। वैसे बाइक सर्विस के लिए कल आई थी, कल मेरा नंबर बनता है इसलिए आज सर्विस हो रही है। और अभी इसका सबसे मेन चीज़ है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाना, जो भी इसमें टेक्निकली कुछ फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये वाला सेंसर जो है ना इसका वो गड़बड़ा रहा है, वो कभी मीटर अपने आप चालू हो जा रहा है कभी बंद हो जा रहा है। मैं आपको एक मजे की बात बताने वाला हूँ, इसके जो सस्पेंशन है ना, जैसे हम लोग साइकिल के सीधे करते थे ना हैंडल टेढ़ा होने के बाद, ऐसे आप सीधा कर सकते हैं, मतलब पैर मार के सस्पेंशन सीधा हो जाता है। बताऊँगा भैया बताएंगे कैसे हुआ वो। अब देखते हैं मोबिल की कंडीशन, देखेंगे कैसे निकलने वाली, क्योंकि 5000 चला, मोबिल भी सस्ते वाला था, खत्म हो गया तो एकदम। ये चेंज हो गया, फ्रंट वाला भी हो गया चेंज और बैक वाला भी, दोनों जो है डिस्पैट चेंज हो गया। और ये पता नहीं एक साइड से टेढ़ा चल रहा तिरछा, देखो क्या कंडीशन हो गई इनकी, खत्म हो गए पूरे, देखो एकदम खत्म। तो गाइज मैंने अभी ये वाला मोबिल इस बार डला रहा हूँ, क्योंकि वो वाला मोबिल से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, मेरी बाइक लॉन्ग रन भी करती तो रेस राइड्स करता हूँ, इसलिए इंजन के लिए बेस्ट मुझे ये लगा। ये है GP एडिशन है कोई, 4 स्ट्रोक यामा रेसिंग, अब इसका देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। हालांकि कैनमैन से बहुत प्रीमियम लग रहा है ये, और इसका प्राइस जो है वो 1300 रुपये प्राइस है इस मोबिल का, खर्चा बनने वाला आज बाइक में सच में। ओवरऑल सारी चीज़ें खत्म हो रही है, नेक्स्ट सर्विस में इसका चेन सेट भी जाएगा। तो गाइस कंप्लीट सर्विस तो हो चुकी है। वैसे मैंने भैया को बताया मैं, क्या इसका हैंडल ना टेढ़ा है, तो भैया ने क्या किया, हैंडल तो बोले सीधा है कि सस्पेंशन टेढ़ा, ऐसे किया और इसमें लात मारी पहिए में, कह रहे अब ठीक हो गया। मैंने कहा भैया ये क्या चीज़ है, साइकिल है क्या कि आप लात मार के सीधा कर दे रहे हैं, तो बोले कि नहीं भैया थोड़ा बहुत हो जाता है और ऐसा हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा चीप सस्पेंशन है सच में, और सर्विसिंग के बाद जो है ना बाइक चलाने में एकदम अलग मज़ा आ रहा है। एक बार हैंडल चेक करूँ मैं, हल्का सा है, बहुत माइनर सा है, पहले से ठीक है, मतलब कि जो लात मारी है वो काम कर रहा है, एक बार मैं लात मारूंगा तो भी हो जाएगा। भाई साहब ऐसे सस्पेंशन है इस बाइक के, बहन की आँख, लात मारो सस्पेंशन सीधा हो जाता है, साइकिल का हैंडल समझ लिए क्या? उसमें भाई फ्रंट डिस्पैड और रियर डिस्पैड दोनों हो गए हैं चेंज, दोनों के नए,
एयर फिल्टर चेंज हुआ, मोबिल मैंने डलाया है बेहतरीन वाला, और अभी देखते हैं कि क्या सीन होता है, मोबिल ये वाला कैसे परफॉर्म करता है। जो मोबिल निकला भाई उसकी कंडीशन एकदम ख़राब थी, मतलब कि 5000 चलने वाला मोबिल वो है ही नहीं, समझ रहे ना गाइज आप। 5000 पे सर्विस कराना मतलब कि आप अपने इंजन की ले रहे हैं बढ़िया से, बहुत अच्छे से ले रहे हैं। गाइज अब उड़ेगी बाइक बहुत खतरनाक। पीछे वाले डिस्पैड अभी उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, थोड़ा चलने के बाद सेट हो जाएंगे। पीछे वाला ब्रेक नहीं लग रहा उतना अच्छा, वो रगड़े जाएंगे थोड़ी देर में सेट हो जाएंगे। वाओ मैन मजा आ गया। गाइस अपनी बाइक हो चुकी है एकदम रेडी, बहुत भयंकर वाली। एंड भाई सर्विस कराते कराते इसको 2 दिन लग गए, और सर्विस के बाद में इंजन का साउंड भी चेंज हो गया एग्जॉस्ट का। अब भाग रही है बहुत सही भाग रही है, वाइब्रेशन भी कम हो गए। तो चलो गाइस अभी पहले आपको घर चल के मिलते हैं, क्योंकि घर पे एडिटिंग वगैरह करनी है बहुत सारी, आज शाम को वीडियो देना मुझे। अभी चलते हैं सीधा घर। ओ भाई आराम, क्या पटाखा था भाई, क्या पटाखा था, वाओ। अब सही है अब बाइक अच्छे से भाग रही है, बस एक बार इसको हाईवे पर चेक करना है। वाओ ये बेस्ट है रे, बेस्ट है रे बाबा, बेस्ट है गब्बर। बहुत खर्चा करा दिया आज तूने गाइस, इसमें ना 3500 रुपए लग गए सर्विस में इस बार। कौन कहता है यार R15 की सर्विस सस्ती होती है, वे सस्ती किसी बाइक की नहीं होती, अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे तो सस्ती होगी, आप डलाओगे 600 रुपए वाला मोबिल तो सस्ती होगी। बताइए 3-3500 इसमें भी लग रहे हैं, 3500 रुपए मेरे KTM की बाइक में लगते थे, तो सर्विस तो ऑलमोस्ट सेम ही बैठ रही है ना। जबकि मैंने रियर जो डिस्पैड है ना वो इंक्लूड नहीं है, 950 रुपए के वो डिस्पैड भैन की आंख, जो सर्विस सेंटर से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली बाइक की जो सर्विस वगैरह हो चुके कंप्लीट, और आज मैं ब्लॉग करने के नहीं गया क्योंकि मुझे जो ना एडिट करना था पूरा वीडियो अपना, और वीडियो देना मुझे शाम को, और बस अभी पहले एडिटिंग कर लेते हैं बहुत जल्दी करके, क्योंकि 3:42 हो चुकी है, 4 बजने वाला है, 5 बजे मुझे अपना वीडियो पब्लिश करना है, 5 से 6 के बीच में कर दूंगा। ठीक है गाइस अभी पहले वीडियो का एडिट कर लेते हैं। हाँ इस वाले ब्लॉग में आपको बहुत मजा आएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा जाके तो जाके चेकआउट कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वाले ब्लॉग का। इस वाले ब्लॉग में सच में मजा आने वाला है, सीन है कुछ पुलिस वालों के साथ में, एंड रस राइड भी हुई है बहुत बढ़िया, तो फुल एंजॉय आने वाला, तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो इस वीडियो के बाद में, ये वाला ब्लॉग भी जाके चेकआउट कर लो।